नमस्कार दोस्तों, DHFF अड्डा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत। देश में कोरोना से आपदा के चलते मदद के लिए विदेशों से 25 से ज्यादा फ्लाइट पहुंची थी, जिसमें 5500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 3200 ऑक्सीजन सिलेंडर और 136,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन थे, जो देश के कोने कोने में जाने थे और लोगों की जान को बचाया जाना था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब चौतरफा सवाल एक ही है कि विदेशी मदद आखिर कहां चली गई, क्योंकि लोग तो आज भी ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। किसी को अपनों को बचाने के लिए सिलेंडर के जुगाड़ में भीड़ का हिस्सा बनकर मौत को दावत देनी पड़ती है, तो कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन ना मिल पाने के चलते अपने परिजनों को खो रहा है। यानी मदद आई, लोगों तक पहुंची है नहीं। और ये ही है आज की वीडियो को बनाने का मकसद। दरअसल द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, भारत में मेडिकल मदद का पहला कंसाइनमेंट 25 अप्रैल 2021 को पहुंचा था। उसके बाद मेडिकल ऑक्सीजन और लाइफ सेविंग ड्रग्स लगातार भारत पहुंच रहे हैं। केंद्र सरकार को इस बारे में SOP बनाने में ही 7 दिन लग गए। कैसे राज्यों और अस्पतालों में इसका वितरण किया जाए, यानी कि विदेश से आ रही मेडिकल मदद को रिसीव करने के लिए नोडल मिनिस्ट्री विदेश मंत्रालय है, जबकि राज्यों और अस्पतालों में इस मदद को बांटने का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP स्वास्थ्य मंत्रालय को बनाना था। 25 अप्रैल को पहली खेप आई और उसके वितरण के नियम स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 मई को जारी किए, यानी कि इस एक हफ्ते में वो सामान वहीं पड़ा रहा। एक हफ्ते तक आई मेडिकल मदद एयरपोर्ट बंदरगाहों पर यूं ही पड़ी रही, जबकि अगर आमद के साथ ही ये राज्यों में पहुंचना शुरू हो जाती तो कई बचाई जा सकती। अब जरा समझिए, भारत सरकार विदेशों से आ रही मेडिकल मदद रेड क्रॉस सोसाइटी के जरिए ले रही है। जो NGO है, मेडिकल सप्लाई राज्यों तक ना पहुंचा पाने के सवाल पर रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रबंधन क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उनका काम सिर्फ मदद कस्टम क्लियरेंस से निकालकर सरकारी कंपनी यानी कि HLL को सौंप देना है। HLL का कहना है कि उसका काम केवल मदद की देखभाल तो करना है, मदद कैसे बांटी जाएगी इसका फैसला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय इस बारे में चुप्पी साधे है। आलम ये देखिए कि PM मोदी ने खुद मेडिकल इमरजेंसी वाली सप्लाई का कस्टम जल्द से जल्द क्लियर करने को कहा, लेकिन 2 मंत्रालयों के विभागों में तालमेल की भारी कमी के चलते आज तक सही दिशा में मदद पहुंची नहीं। हालांकि केंद्र संचालित अस्पतालों में मदद जरूर पहुंची है। स्वास्थ्य मंत्रालय का इसमें कहना है कि विदेश से अब तक करीब 40 लाख आइटम्स आए, इनमें दवाओं समेत तमाम मेडिकल इक्विपमेंट्स शामिल हैं। ये जो सामान आए हैं, इनमें से ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, कुछ जीवन रक्षक दवाई हैं, 38 इंस्टीट्यूशंस और अस्पतालों को दी गई है। लेकिन द हिंदू की रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि इनमें से ज्यादातर अस्पताल वही हैं जिन्हें केंद्र सरकार संचालित करती है। अब सवाल फिर वही है कि जरूरत जब पूरे देश में है, पूरे देश में हाहाकार है, तो फिर केंद्र संचालित अस्पतालों तक ही मदद क्यों? सवाल ये भी, जब आपात हालात देश में है तो फिर एक हफ्ते तक मेडिकल उपकरण एयरपोर्ट पर क्यों पड़े रहे? हमारा मैकेनिज्म इतना बदहाल कैसे हो सकता है कि जरूरतमंदों तक समय पर मेडिकल या फिर लाइफ सेविंग उपकरण मुहैया नहीं करवा सका? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि विदेश से आई मदद लेकिन हिंदुस्तान में अभी तक मदद नजर क्यों नहीं आती, इस पर आपकी क्या सोच है? बहुत शुक्रिया।